अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। दोस्तों, डायबिटीज दो किस्म की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। आज हम आपको टाइप 2 डायबिटीज के बारे में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि पेनक्रियाज के जरिए इंसुलिन कम सिक्रीट किया जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण शुगर का यूटिलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता और इस कारण से एक्सेस शुगर ब्लड स्ट्रीम में तैरती रहती है और जिसकी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है। इसी कंडीशन को डायबिट कहते हैं। डायबिट्स में पेशेंट को थकान बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, पानी वो बार बार पीते रहता है, बार बार पेशाब होती है और बहुत ज़्यादा पेशाब होती है, उसका गला सूखता रहता है और उसके हाथ पांव में झंझनाहट होती है। दोस्तों, डायबिटीज़ के लिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो कारगर दवाइयाँ हैं। जब तक लेते रहते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है, लेकिन ये असर हमेशा नहीं रहता। एक वक्त ऐसा आता है जब ब्लड शुगर की मात्रा दिए हुए डोज से कंट्रोल नहीं हो पाती, तो फिजिशियंस मेडिसिन का डोज बढ़ा देते हैं। लेकिन जब डोज बढ़ाने के बाद और बार बार डोज बढ़ाने के बाद भी जब शुगर कंट्रोल नहीं रहती, तो ऐसी कंडीशन में फिजिशियंस इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू करने की सलाह देते हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू करते हैं। दिन में 2 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं खाने से पहले। यही वो कंडीशन है जिसके बारे में आपको अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी आदमी दवाई कितनी भी ओरल खा सकता है, लेकिन दिन में 2 बार उसको अगर इंजेक्शंस लगाना पड़े अभी खाने से पहले, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, आदमी परेशान हो जाता है और उससे निकलना चाहता है, लेकिन निकलने का कोई मार्ग नहीं होता है। इसलिए हम आपको मशवरा देंगे कि आपको पहले ही से अलर्ट रहना चाहिए और इंजेक्शंस की नौबत नहीं आने देना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको अपनी दवाइयों के साथ दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी सहारा लेना चाहिए। अगर आप हमसे पूछें तो हम पिछले 40 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आपको मशवरा देंगे कि आप मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन की भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपकी समस्या में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। होम्योपैथिक दवाइयाँ साथ में लेने का लाभ ये है कि आपके जो मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करती है और आपके मॉडर्न मेडिसिन के डोज को ये बढ़ने नहीं देगी, और जब ये डोज को बढ़ने नहीं देगी तो ये आपको कभी भी इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने की नौबत नहीं आएगी। और यही हमारा मकसद है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग दुनिया में इस समस्या से ग्रस्त हैं और तकलीफ के शिकार हैं। हम उनको इस दयनीय अवस्था से बाहर निकालना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है। इसके अलावा डायबिटीज़ के और भी बहुत बैड इफ़ेक्ट्स हैं। जब शुगर अनकंट्रोल हो जाती है तो किडनी पर असर डालती है, किडनी फेल हो जाती है, और जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस का सिस्टम शुरू हो जाता है, और जब डायलिसिस से भी आदमी को आराम नहीं मिलता तो किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह की सलाह दी जाती है, जो बहुत ही कॉस्टली है और बहुत ही तकलीफदा कंडीशन है। इसके अलावा जब शुगर अनकंट्रोल हो जाती है तो उसका असर ये भी होता है कि जो भी ज़ख्म होते हैं वो भरते नहीं हैं, अक्सर पाँव में ज़ख्म हो जाते हैं और वहाँ पर डायबिटिक फूड या फूड गैंग्रीन हो जाता है, जिसके कारण उंगलियों को कभी कभी काटना पड़ता है, कभी कभी पाँव का भी कुछ हिस्सा काटना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि आदमी डायबिटीज के साथ भी सहूलत के साथ ज़िंदगी आखिर तक जिए, और उसके लिए हम आपको सलाह देते हैं कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेते हैं तो आपकी तमाम समस्या कंट्रोल में रह सकती है। तो अब हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में
मालूमात देते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो हम डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो डायबिटीज़ के लिए होम्योपैथी में चीफ मेडिसिन है, उसका नाम है सीजियम जाम। जामुन से बनाई हुई मेडिसिन है, मदर टिंचर फॉर्म में, 10-10 बूंदी में 3 से 4 बार आप लेते रहें, आपको काफ़ी आराम मिलता रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है जिमनिमा सिल्वेस्टर, इसको शुगर किलर भी कहा जाता है, गुड़मार से बनी हुई मेडिसिन है, मदर टिंचर फॉर्म में 10-10 बूंद दिन में 3 बार आपको लेते रहना है थोड़े से पानी में मिला के। नेक्स्ट मेडिसिन है एब्रोमा अगस्टा, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। जब पेशाब में शुगर जा रही हो और पेशेंट को प्यास भी बहुत लगती हो और पेशाब भी बहुत लगती हो और उसको थकान भी बहुत हो, इसके साथ ही उसको कब्जियत हो, तो ऐसी कंडीशन में एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर फॉर्म में 10-10 बूंद थोड़े से पानी में मिला के आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सेफेलेंड्रा इंडिका। सेफेलेंड्रा इंडिका शुगर के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। इसको भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, 10-10 बूंद थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार आपको लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है फेनोग्रीक मदर टिंचर, ये मेथी से बनी हुई मेडिसिन है। चूँकि मेथी आयुर्वेद में डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो फेनोग्रीक मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप थोड़े से पानी में मिलाकर लेते रहें, आपको हमेशा ही लाभदायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक अल्ब। आर्सेनिक अल्ब एक बहुत ही नेग्लेक्टेड मेडिसिन सी है डायबिटीज़ के लिए, लेकिन डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। जब पेशेंट को डायबिटीज़ हो और उसको बेचैनी रहती हो और एंजाइटी हमेशा रहती हो और उसको बार बार प्यास लगते रहती हो और प्यास के लिए वो पानी पीता है लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, सिप सिप करके पीता है और थोड़ी थोड़ी देर से पीते रहता है, जब ऐसी सूरत हाल हो तो आर्सेनिक अल्ब 30 पावर में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फॉस। जब पेशेंट को डायबिटीज़ हो और उसके साथ वो हमेशा नर्वस रहता हो, उसको बहुत ज़्यादा पेशाब होती हो, पेशाब में बहुत ज़्यादा शुगर जाती हो और पेशाब का रंग दूधिया हो, यानी कि मिल्की कलर की पेशाब हो, और उसके साथ ही पेशेंट फिजिकली और मेंटली हमेशा टायर्ड रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में एसिड फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के आपको दिन में 3 से 4 बार लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्निका मॉन्टेना। जब डायबिटीज़ लीवर पर चोट लगने के कारण हो, यानी लीवर इंजरी के कारण जब डायबिटीज़ हो जाए, यानी आपकी अपनी हिस्ट्री में पेशेंट बताता है कि उसको लीवर पर चोट लगी थी, उसके बाद ही कुछ दिनों में उसको डायबिटीज़ की शिकायत हो गई, तो ऐसी कंडीशन में अर्निका मॉन्टेना 1 mg/L में 1 डोज 15 दिन में 1 बार लेते रहना है। साथ में आप दूसरी दवाइयाँ भी लेते रह सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रेट, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। जब डायबिटीज़ हो और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो और बहुत ज़्यादा पेशाब भी लगती हो, पेशेंट को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती हो, इतनी भूख के पेट भरा हुआ होता है, इसके बावजूद भी उसको भूख महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में यूरेनियम नाइट्रेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार थोड़े से पानी में मिला के आप लेते रहें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दवाइयाँ बहुत हैं और वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम आपको कुछ ही दवाइयाँ बता रहे हैं। दवाइयाँ कारगर हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें, किसी कारगर होम्योपैथ के, क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें, और अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको हर तरह से मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप हमको मिल सकते हैं। अगर आप हमारे क्लिनिक के अतराफ़ कहीं भी रहते हैं, हमारा पता डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अगर मुंबई में कहीं रहते हैं, या थाना में, या कल्याण, या डोंबिवली में, या नवी मुंबई में, या मुमरा में, या तलुजा में आप कहीं रहते हैं, तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं, आप अपना इलाज हमसे करा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मॉडर्न मेडिसिन के साथ होम्योपैथी का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप
पूरी ज़िंदगी सुकून के साथ डायबिट होने के बावजूद भी सहूलियत के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। दोस्तों ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।